हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यवान सहरावत दोस्तों आपके एफएरओट यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके में हरियाणा कृषि की, हरियाणा कृषि व सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई व पशुधन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इसके बारे में, इन तीनों के बारे में, कृषि सिंचाई और पशुधन के बारे में कंप्लीट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्या है। हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है 70% जनसंख्या हमारी क्या है, क्या करती है, कृषि व कृषि से संबंधित कार्यों में को करने में लगी हुई है। 30% अन्य कार्यों में लगी हुई है, जैसे नौकरी या उद्योग धंधे या किसी अन्य में, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? वो 284%, 84% कुल क्षेत्रफल का, कुल जितना हमारा क्षेत्रफल है उसका 84% एरिया पर कृषि की जाती है। बाकी 16% पर क्या है, 16% पर खेती नहीं की जाती, कहीं पर पहाड़, कहीं पर पर्वत, कहीं पर नूनी का एरिया है। तो दोस्तों 84% एरिया पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? दोस्तों दो कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कमेंट बॉक्स में आपने बताना कि वह दो क्षेत्र कौन से हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में साड़ी की फसल कहा जाता है? असाड़ी की फसल, रबी की फसल होती है जो हमारी, उसको हम असाड़ी की फसल कहते हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि रबी की फसल कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में किस जिले को स्थानीय भाषा में सावनी की फसल कहा जाता है? खरीफ की फसल को सावनी और रबी की फसल को साड़ी फसल कहा जाता है। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है, पूरे हरियाणा में सिरसा जिले में गेहूं ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, देखिए गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? हरियाणा का दोस्तों भारत में तीसरा स्थान है, ऊपर से तीसरा स्थान है, जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है, ठीक है। राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? राज्य में जो सबसे ज़्यादा होता है खाद्यान्न फसल, वो अपनी गेहूँ होती है। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि और संबंधित गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? वह है दोस्तों 14.1%। दोस्तों यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो मैं तेज़ तेज़ क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ, तो कृपया उसे प्यूज या बैक करके देखिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ, इसलिए थोड़ा फटाफट क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी है, हरियाणा जीके से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, हरियाणा करंट अफेयर भी उपलब्ध है, कृपया करके वो ज़रूर देखें, ठीक है। हरियाणा जीके से अलग हमारे उस पर चैनल पर इंडिया जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, तो दोस्तों उनको भी ज़रूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस राज्य को गेहूं की कटोरी कहा जाता? हरियाणा राज्य को दोस्तों गेहूं की उत्पादकता में के होने के कारण गेहूं की कटोरी कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? व्यावसायिक फसल होती है जिन्हें हमें नकदी प्राप्त होती है, यानी कि पैसे प्राप्त होते हैं, जो बेचने के काम आती है। एक है गन्ना और एक कपास, ये हमारी हरियाणा राज्य की व्यावसायिक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा किन्हें कहा जाता है? कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद को, इनमें सबसे ज़्यादा धान होते हैं, तो इसी कारण इनको संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा
कैथल कुरुक्षेत्र करनाल जींद को, ठीक है, ये एक बेल्ट है तो इसको हम धान का कटोरा कहते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल, जो कि सबसे अच्छे चावल माने जाते हैं, बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है, वो है दोस्तों करनाल। करनाल जिले में सबसे अच्छे ज़्यादा बासमती चावल बोए जाते हैं, इसी कारण से चावल का कटोरा। देखिए धान का कटोरा इन जिलों को और चावल का कटोरा करनाल को। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में, पूर्वी भाग और मध्यवर्ती भाग, ये अपना हरियाणा जैसे, तो दोस्तों यहाँ पर ये पूर्वी और मध्यवर्ती भाग, यहाँ पर इस एरिया में ज़्यादा धान होता है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की होती है? तो सर्वाधिक उत्पादकता, वो खाद्यान्न की बात करें तो दोस्तों होता है गेहूं सबसे ज़्यादा, और सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो होता है दोस्तों गन्ने का, गन्ने की फसल का उत्पादकता ज़्यादा है। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? यमुनानगर, यमुनानगर में हरियाणा का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न होता है और सबसे अच्छी किस्म का भी, ठीक है। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में बताना यमुनानगर में कौन सा प्रसिद्ध मिल है, कौन सा प्रसिद्ध मिल है। नेक्स्ट, राज्य में गन्ना उत्पादन किन दो क्षेत्रों में किया जाता है? एक तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र और एक उत्तर पूर्वी। जो अपना यमुनानगर है वो कौन सा है? उत्तर पूर्वी जिला है, ठीक है, उत्तर पूर्वी जिला है। और पूर्वी में कौन से आएंगे? ये पूर्वी में हो गए पानीपत सोनीपत और पानीपत सोनीपत करनाल कुरुक्षेत्र, ये अपने पूर्वी जिले हैं। राज्य के किस जिले में बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बाजरा होता है दोस्तों भिवानी में, भिवानी में सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? ये है दोस्तों सोनीपत। सोनीपत का भी एरिया है जो खुम्बी में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, गनोर हल्का भी का गांव है खुबड़ू, तथा उसके आसपास के गांव सबसे ज़्यादा खुम्बी के उत्पादन में आगे हैं। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है दोस्तों अपना आलू होता है, सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है वो होती है आलू की। और फल की सर्वाधिक किस फल की खेती की जाती है? तो आम फलों में सबसे ज़्यादा होता है, सब्जियों में आलू, ठीक है। राज्य में किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? वो होता है दोस्तों सिरसा में, सिरसा जिले में आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सिरसा जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती होती है? वो होती है दोस्तों हल्दी की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और हल्दी क्या है? एक मसाला। हल्दी का राज्य के किस जिले में उत्पादन होता है, यानी कि हल्दी राज्य के किस जिले में उत्पादन होता है? हल्दी सबसे ज़्यादा होती है अपने अम्बाड़ा जिले में, ठीक है। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु, यानी किसानों की सहायता हेतु, किसानों के कल्याण हेतु एक योजना चलाई गई थी, कृषक उपहार योजना, वह चलाई गई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 2000 को, 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार योजना चलाई गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों HSC द्वारा पूछा गया है तो इसे याद रखना है, कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? फूल का नाम है दोस्तों ग्लेडियोलस। सबसे ज़्यादा इस फूल की खेती की जाती है हरियाणा में।
सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? वो है बागवानी के तहत। बागवानी के तहत क्या है, मंजियाना परियोजना में बागों की बागवानी लगाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी HSC द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है दोस्तों बटन मशरूम का। बटन मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, इस हमारी सभी वीडियो देखिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। नेक्स्ट है, किसके उत्पादन में तिरोवृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? फलों के बढ़ावा के लिए हरियाणा में क्या शुरू किया गया, क्लस्टर पद्धति। ठीक है, क्लस्टर पद्धति शुरू की गई है। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, उसका नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो कि अपने हिसार ज़िले में स्थित है। हिसार ज़िले में क्या है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ये आपको दोस्तों याद रखना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। ठीक है, एक तो दोस्तों आपने बस वेजिटेबल्स याद रखो, वेजिटेबल्स। ठीक है, अगला तो सेम है दोनों में, देखिए इसमें फूड है और इसमें वेजिटेबल्स है। ठीक है, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स से सबसे ज़्यादा होता है गरोंडा करनाल में। ठीक है, ये एक सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सब्जियों के लिए जो है वो गरोंडा करनाल में है और फूड के लिए मंजियाना सिरसा में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए सेंटर एक्सीलेंस फॉर फूड स्थित है, वो है दोस्तों मंजियाना में और वेजिटेबल्स गरोंडा में। नेक्स्ट है, हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है दोस्तों हिसार में। लगभग जो भी पशुओं के वो है प्रशिक्षण से संबंधित, वो अपने हिसार में है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के दौरान राज्य में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? वो की गई थी दोस्तों 3.8%। नेक्स्ट है, भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना के नाम से जानी जाती है? मुरा नस्ल की भैंस सबसे अच्छी किस्म की भैंस मानी जाती है, जिसे हरियाणा में काला सोना कहते हैं यानी कि ब्लैक गोल्ड है। और एक करंट की बात और बता दूं, एक हरियाणा की भैंस है जिसका नाम है सरस्वती, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वह 51 लाख में बिकी है। कितने में? 51 लाख रुपए में बेची गई है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था दोस्तों अपनी वो उसकी पाकिस्तान की भैंस का नाम, लेकिन अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है सरस्वती भैंस ने, जो कि 51 लाख में बेची गई है। और किसने लिया है, ये लुधियाना के एक किसान ने खरीदी है, लुधियाना के एक किसान ने। कहाँ थी ये थी दोस्तों हिसार ज़िले में, हिसार ज़िले के किसान के पास थी, जिसका नाम था सरस्वती और 51 लाख में से बेचा गया। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू हुई? वर्ष 2007-08 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य है क्या था? ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में
24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराना। पशुधन विकास वाणी का जो मुख्य उद्देश्य था 24 घंटे पशुओं के पशुपालकों को पशुओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना था। ठीक है, एक और अब नई योजना चलाई गई है पशुधन के नाम से एक और योजना चलाई गई है अभी। उसमें भी पशु जो चिकित्सक है वो यदि पशु बीमार होते हैं तो वह चिकित्सक आपके घर पर ही सेवा देने आएंगे। ठीक है, तो ये अभी करंट में चलाई गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान निदेशालय कहाँ है? वो है दोस्तों करनाल में। और करनाल में एक और है एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट एनडीआरआई राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है दोस्तों? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है करनाल में। ठीक है, याद रखना अपने एनडीआरआई और गेहूं अनुसंधान संस्थान निदेशालय कहाँ पर? करनाल में। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये दोस्तों एशार में। और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, देखिए राष्ट्रीय पशु अनुसंधान अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो ये है अपने आपके कहाँ पर? करनाल में। और जो भैंस अनुसंधान संस्थान है वो रिसर्च सेंटर तो है एसआर में। और भाई अनुसंधान अनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड पशुओं को वो है आपके करनाल में। एनडीआरआई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो हमने अभी बताया था मैंने, उसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1955 में। और कहाँ की गई थी? करनाल जिले में। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से की जाती है? वो थी दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग की। अगर ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है तो वो होती है दोस्तों अपने उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसी कारण सिंचाई भी वर्षा से वहीं होती है। जो कि उत्तर पूर्वी इलाके कौन से हैं? जो कि यमुनानगर और करनाल और अम्बाड़ा के हैं। ठीक है, और कुछ भाग पंचकुला। जो शिवालिक की पहाड़ी है तो वो वहाँ दोस्तों वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। और जो दक्षिण पश्चिम एरिया है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? वो होती है दोस्तों 51.12%, यानी कि ट्यूबलों के माध्यम से जो सिंचाई होती है 51% भाग पर ट्यूबलों से सिंचाई होती है और बाकी पर नहर और कुओं से। किसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है? लोहारू उत्थान योजना को, लोहारू उत्थान योजना को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? वह दोस्तों रोहतक, गुड़गांव और करनाल, ये पवन चक्की से सिंचाई की जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा बिखेवाला, खंडरवाला, खुर्दाकला, फुलियाकला आदि गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? ये होती है दोस्तों नरवाणा सिंचाई योजना के माध्यम से, नरवाणा सिंचाई परियोजना के माध्यम से। वर्ष हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना द्वारा
महेंद्रगढ़ जिले में खरी फसलों को बचाया गया वो थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत जो सूखा पड़ा था वर्ष 1987 में महेंद्रगढ़ जिले की खरीफ की फसलों को इसके माध्यम से बचाया गया था। नेक्स्ट, राज्य की किस सीमा पर घग्गर एवं सतलुज को भाखड़ा नांगल नहरों से पानी मिलता है? वो है दोस्तों पश्चिमी सीमा पर। नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता है 2700 क्यूसेक पानी की अक्षमता है। जो जल की अक्षमता मापी जाती है दोस्तों वो मापी जाती है क्यूसेक के माध्यम से। नेक्स्ट है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया? यानी कि भिवानी नहर भी कह सकते हैं उसे, 220 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? वो है 225 किलोमीटर और भिवानी उत्थान की 220 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है दोस्तों पंचकुला के सेक्टर पाँच में सिंचाई विभाग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई योजना। दोस्तों यदि किसी भी विभाग का मुख्यालय पूछा जाए तो वो लगभग पंचकुला में ही है। तकरीबन 75% यानी कि 2/3 मुख्यालय हमारे कहाँ है वो पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई की जाती है? हिसार और सिरसा जिले की जो सिंचाई है वो भाखड़ा नहर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ये है दोस्तों यमुना नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज। ये आपको ने याद रखना दोस्तों। हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? नलकूप की सहायता से फुहारों द्वारा सिंचाई की जाती है रेतीले भाग में। कौन से आगे? जो अपने दक्षिण पश्चिमी एरिया है यानी कि भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के जो ये एरिए हैं यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है वो नलकूप की सहायता से फुहारों द्वारा की जाती है। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना पहली बार कब पानी छोड़ेगा? वर्ष 1976 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में किन साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है? ये दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? होलैंड और जर्मनी की सहायता से पवन चक्की लगाई गई है हरियाणा में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? भिवानी उत्थापक योजना को, जिसकी लंबाई 220 किलोमीटर है यह लगभग भिवानी में ही है। यह नहर तकरीबन जो अधिकांश भिवानी की सिंचाई करती है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई? वर्ष 1976 में।
वर्ष 1976 में। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले या किन जिलों के शिवालिक क्षेत्रों में होने वाले भूमि कटाव को रोकने हेतु वर्ल्ड बैंक की सहायता से समन्वित जलागम विकास परियोजना चलाई जा रही है? वो है दोस्तों अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के लिए भूमि कटाव को रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सहायता दान की है दोस्तों, हरियाणा सरकार को सहायता दी है इन जिलों को। वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार हरियाणा में गायों की कुल संख्या कितनी है? वो है दोस्तों 18.08 लाख, याद रखनी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार पशुधन की संख्या है, यानी कि कुल पशु थे जो 2012 में वो 89.98 लाख थे। हरियाणा में किस नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? वो है दोस्तों मुरा नस्ल की, जिसे काला सोना के नाम से जाना जाता है, काला सोना, ब्लैक गोल्ड। मुरा भैंसों को काला सोना, ये मैंने बता दिया। एशिया की सबसे बड़ी पशु फार्म हरियाणा में कहाँ है? वह है दोस्तों हिसार में। हिसार का जो पशु फार्म है वो हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा पशु फार्म है। नेक्स्ट है, राज्य में कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई? वो 15 जिलों में। लसोडा सुना होगा आपने, लसोडा या लसोडा किस वन की विशेषता है? ये दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, यानी कि शुष्क, यानी ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लसोडा वहाँ आपको ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि जहाँ बरसात कम होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी भाग में या रेतीले भाग में कह सकते हो। संजिया क्या है? संजिया एक वृक्ष है। कचनार किस वन की विशेषता है? ये दोस्तों उपोषण कटिबंधीय। नेक्स्ट है, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू किस वर्ष किया गया? वर्ष 1998 में। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? 1 नवंबर 2003 को। वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 से लागू की गई। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं दोस्तों 5 प्रकार के। नेक्स्ट, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? वह दोस्तों वृक्षारोपण से, वृक्षों को की संख्या बढ़ाने हैं तो उसके लिए, संख्या बढ़ाने के लिए वृक्षों की ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा एक कार्यक्रम चालू किया गया है जो कि वृक्षारोपण से है। डीला क्या है? डीला ये घास है, ये HSC द्वारा कई बार पूछा गया है कि डीला क्या है, वो घास है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कुछ गलत लगा तो कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।